जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि जो आरोपी हैं, जो लोग माफिया डॉन राज हैं, उनके लिए कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं, एनकाउंटर होते हैं, लोग खुद ही न्याय कर देते हैं, जैसा अतीक अहमद के केस में देखा आपने, उनके बेटे के केस में देखा, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो इसको लेकर भी धर्म के लिहाज से क्या आरोपी को माफ़ करना ही या संवैधानिक रास्ता ही विकल्प है, या इस तरह से जो लोग कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमारी न्याय प्रणाली इतनी धीमी है, इतनी लचर है, इतना स्लो निर्णय लेती है कि अपराधी की उम्र हो जाती है उसे अपराधी साबित करने में। तो कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली को हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए, क्योंकि कई देश हैं जहां तत्काल निर्णय मिलते हैं। एक आदमी के न्याय मांगते मांगते चप्पलें घिस जाती हैं, और आम आदमी का तो छोड़ो, इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, उनकी एक दो पीढ़ी बीत जाती तब तक न्याय नहीं मिल पाता है इस देश में। तो न्याय प्रणाली यदि मजबूत होगी, तुरंत निर्णय लेगी, तो निश्चित ही इस तरह के केस नहीं होंगे, वरना कब तक जनता इन लोगों से त्रस्त रहेगी। तो यानी कि जनता का संयम जब जवाब देता है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जो अतीक अहमद के साथ हुआ। जरूर है ना, शोषण, देखो, अधिक शोषण विद्रोह को जन्म देता है। जब लोगों का अधिक शोषण होता है तो फिर जनता विद्रोही हो जाती है। क्या धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र के नाम पर कई बार सनातन को पीछे रखा गया है? कई बार राजनेताओं ने अपने अपने हित साधने के लिए, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक जीतने के लिए कई बार सनातन को, क्योंकि हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा उनकी तादाद है, नंबर जो है सबसे ज़्यादा है, तो कई बार उनको तुष्टिकरण की राजनीति की गई है। देखो, तुष्टिकरण की राजनीति का एक अंग है ये वोट बैंक की जो राजनीति है, इसके बिना सरकार चलती नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि किसी भी धर्म को बिल्कुल गिरा देना, डाउन कर देना, और वो धर्म जो हमारे सामने पैदा, उनको इतनी हाइट दे देना, और एक तरफ तीर्थों पर टैक्स लगाना, दूसरी तरफ उनके तीर्थ यात्रा के लिए सब्सिडी देना, एक तरफ हमारे तीर्थों, हमारे त्योहारों पे कहना कि रंग नहीं खेलो, दिवाली नहीं करो, और आप रोशनी नहीं करो, एक तरफ उनके दूसरों के धर्मों को पूरा संरक्षण बढ़ावा देना, तो इस तरह का ये कोई राजनीतिक चीज़ निश्चित ही वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि वर्तमान में जो कुछ चल रहा है देश में, जो चल रहा है कि एक पहली बार है कि हिंदू अपनी शक्ति को पहचाना है, हिंदू अपनी ताकत को पहचाना है, विगत 75-80 साल के मुद्दों को इतने आसानी से सरकार ने निपटा दिया, जो एक मुद्दे थे नहीं, बना रखे थे वोट बैंक की राजनीति के कारण से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि धर्मनिरपेक्षता की बात केवल जब हिंदू आता है तभी धर्मनिरपेक्ष देश होता है, बाकी दूसरी शक्तियाँ आती तब धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली जाती।